Hi guys, I am here with daily use English speaking practice sentences. These sentences are, I believe that God exists. He lacks self-confidence. This all depend on you. He certainly deserves praise. I guess he will come again. I intend to go for next year. He suffers from diabetes. He owes me rupees thousand. आई विल नॉट टेल अंटिल ही आस्क सी विल स्टे विद यू टिल बस कम्स सो डियर फ्रेंड दीज आर समी यूज दिस काइंड ऑफ सेंटेंसेज इन अवर कन्वर्सेशन यदि आप भी इसी प्रकार के सेंटेंसेज के थ्रू इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए पंकज इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश तथा इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करिए शुरू करते हैं हमारे फर्स्ट सेंटेंस आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट जब कभी आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा मानना है कि भगवान होते हैं या भगवान का अस्तित्व है भगवान अस्तित्व में है तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं आई बिलीव दैट गॉड एग्जिस्ट यदि किसी व्यक्ति में आत्मविश्वास की कमी है तो हम ये कहना चाहते हैं कि उसमें आत्मविश्वास की कमी है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस ही लैक्स सेल्फ कॉन्फिडेंस और जब कोई भी काम किसी व्यक्ति पर ऊपर निर्भर होता है और हम कहना चाहते हैं कि यह सब आपके ऊपर निर्भर है तो इसको बोलेंगे दिस ऑल डिपेंड ऑन यू दिस ऑल डिपेंड ऑन यू ही सर्टनली डिजर्व प्रेस यदि कोई व्यक्ति ऐसा काम करता है कि उसकी प्रशंसा करने लायक होती है तो हम कहते हैं कि ही डिजर्व प्रेज ही सर्टनली डिजर्व प्रेज वह वास्तव में प्रशंसा का पात्र है आई गैस ही बिल कम अगेन यदि कोई व्यक्ति किसी काम के कारण बार बार आता है और आप कहना चाहते हैं कि मेरा अंदाज़ा है कि एक बार वह फिर आएगा तो आप कह सकते हैं आई गैस ही बिल कम अगेन मुझे अंदाज़ा है कि वह फिर आएगा आई इंटेंड टू गो foreign नेक्स्ट ईयर जब आप ये कहना चाहते हैं कि मेरा इरादा है मेरी योजना है मेरा प्लान है तो इसको इस प्रकार से कह सकते हैं आई इंटेंड टू जैसे अगले वर्ष मेरा विदेश जाने का इरादा है प्लान है योजना है तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई इंटेंड टू गो foreign नेक्स्ट ईयर आई intend टू गो foreign नेक्स्ट ईयर अगले वर्ष मेरे विदेश जाने का इरादा है डियर फ्रेंड्स आज के समय में किसी न किसी को कोई बीमारी होती है और यदि हम क्या बताना चाहते हैं कि उसे मधुमेह की बीमारी है तो इसको बोलेंगे ही सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज़ ही सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज मतलब उसे मधुमेह की तकलीफ़ है उसे डायबिटीज़ की तकलीफ है ही ओज मी रुपीज़ थाउजेंड जब आप किसी का कोई ऋण लगते रहते हैं पैसे लगते रहते हैं तो इसके लिए हम ओज टू का यूज करते हैं ओज़ का यूज करते हैं जैसे ही ओज मी रुपीज़ थाउजेंड उसे मेरे एक हज़ार रुपये देने हैं या वह मेरे एक हज़ार रुपये का रीडिंग है इस प्रकार से हम कह सकते हैं आई विल नॉट टेल अंटिल ही आस्क मैं नहीं बताऊंगा जब तक कि वह नहीं पूछता है इस प्रकार से हमको यदि किसी से कहना है या इसको ये भी कह सकते हैं कि उसके पूछने तक मैं नहीं बताऊंगा। यानी जब तक वो नहीं पूछेगा मैं नहीं बताऊंगा, तो इसके लिए यूज करेंगे आई विल नॉट टेल अनटिल ही आस्क और सी विल स्टे विद यू टिल बस कम्स यानी कि बस के आने तक वह आपके साथ रहेगी बस के आने तक वह आपके साथ रुकेगी या सी विल स्टे विथ यू टिल बस कम्स जब तक बस नहीं आ जाती वह आपके साथ रुकेगी तो इस प्रकार के सेंटेंस डियर फ्रेंड्स आपको बहुत मदद करेंगे यू आ, दीज सेंटेंसेज विल भी वेरी हेल्पफुल टू लर्न इंग्लिश स्पीक इंग्लिश रीड इंग्लिश इसी प्रकार के सेंटेंसेज यदि आपको इस प्रकार के सेंटेंस पसंद आए हों तो इन्हें ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए शेयर करिए और यदि आप चैनल के लिए नए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए बेल आइकॉन को प्रेस करिए ताकि इस प्रकार के वीडियो जब भी अपलोड हों तो उनका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके इफ़ यू प्रैक्टिस दी सेंटेंसेज अगेन एंड अगेन बाई लिसनिंग बाई राइटिंग और बाई रीडिंग देन यू कैन ऑल्सो यूज दिस सेंटेंसेज इन योर कन्वर्स Session. Thank you for watching.